दिया गया वाटर सैल्यूट। राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं। बुधवार दोपहर को अंबाला एयर बेस में राफेल की लैंडिंग हुई। भारतीय वायुसेना का ये राफेल लड़ाकू विमान है। गर्व और खुशी दोनों का एक साथ अनुभव किया गया। INS कोलकाता ने इसका भव्य स्वागत किया। भारतीय एयरबेस में दाखिल हुए राफेल, नौसेना कंट्रोल रूम ने कहा कि राफेल विमान की हैप्पी लैंडिंग हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को ट्वीट कर बधाई दी, कहा कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नजर डालने से पहले कई बार सोचेगा। आपको बता दें कि ये राफेल विमान को अभी आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है। इंडक्शन के लिए अलग से पूरी सेरेमनी होगी।